कौन किया, गुरुदेव किया कि भगवान जी तो मेरी खबर पड़े, भगवान तो रोज रास्ता में मरता मरता है, बिछड़ जाता है। पर गुरुदेव कहे आई ठाकुर से, आई भगवान से, परमात्मा से, आई ब्रह्म से, तो हमारी खबर पड़ी। जैसे एक चंदन है पड़ो हुए पास में, तो हमारी खबर कम पड़ेगी चंदन से, ये में सुगंध आ गया, खुशबू आ गया, खुशबू दे मैंने पवन पवन, उस समय हमको उरखान कर आ रहे थे कि ये चंदन से, न कर नहीं नाक में गंध न आती हो ना तो चंदन नहीं खबर हो, और चंदन नहीं खबर पड़ से तो हमने प्रिय लायक से का चंदन से हमें ले जाए, थोड़ा काटला घसीने भगवान मस्तक को लगाओ से वापस चंदन है सर गई से जरा उसने। ऐसे गुरुदेव गुरु जी महाराज होने पर है गुरुदेव, तो सारे संसार का कल्याण करो हमारे एक गुरु का शब्द ही बोल, ताकि विश्व का कल्याण करो हमारे एक गुरु ना एक शब्द ही बोलते, ये कौन राह राम क्यों श्री राम क्यों, तो बहुत बड़ी बात है, पर राह ही शब्द है ना अपने जीवन का आने विश्व का कल्याण करो उनको, जैसे लोहा ले लो का तुम कितना भी लोढ़ाई में लकड़ी में लगा दो और लकड़ी उल्लू ढाको भी पार करके दी दे दिया मान दे दे ये में पार कर दी दी, तो लकड़ी न हो तो लोढ़ा पार दी नहीं होते डूब ही जाए। ये ऐसे संसार को पार करने की गुरुदेव बहुत है, तो गुरु जी की सान्निध्य में हमें आज हमें महाराज जी की सान्निध्य में आया हुआ, हमने महाराज जी की सान्निध्य में 22 महीने बिता दिया, 22 महीने हमें बिताएगा पार्थ महाराज जी साके धाम पधारे हैं, हमने कहता गया कि तुम्हारा केवल हमने कहता गया कि हमने तुमने केवल बे काम करवाए गाय भूखे न रहे पतन दरवाजे पे कोई भूख न जाए तार सदा कल्याण है। आज के जीवन में सदा वर मन मने कोई भूखा न दिलो डर और गाय भूखी रखी न थी, बाकी हमें वही जाए अच्छे भगवान गुरु वाले की कृपा भगवान की कृपा जीवन था दिखाए, बाकी अजी तक हमें कोई साधु ने रात के 12 बजे गए तो भूखा नहीं सोवा दीदा और गाय ने भूखी रखा नहीं, चाहे मर्द धन हो या न हो या हमारे सेवक हो या न हो, सेवक को बुरा कहते हो तो ही भले हारा कहते हो तो ही भले, हमने कहीं मान लो ही नहीं, हूँ चार धाम में जाओ रामेश्वरी जाओ द्वारका जाओ नदी नारे जाओ जगन्नाथपुरी जाओ एक एक महीना लौटो छह महीने लौटो, पर हमें ये भी सुविधा भगवान ने बनाई कि हमारे पीछे कोई साधु भूखा डू और हमें भूखा डू हमें कभी कहीं जाए आदर दे गुरु महाराज की कृपा स्वागत बैठा रहे बधे यहाँ पे तुम बधे स्वागत बैठा गुरुदेव के सामने हमें कहीं आवड़ तो न तो हूँ हिंदी बोलो वाला आओ मेरे के खबर ही न पड़े कि आई क्यों रेखते रह भाई क्यों आश्रम में रह बैठ गया क्यों सीधे साधे भजन करवा नहीं करा था गुरु महाराज ने भी कृपा करी आश्रम मौर्या गांव में बड़े सेवकों ने हमें अपनाया बड़े सेवकों के साथ हमने आज एक बड़ी भी तरह जीवन बिताया, अब आगे की भगवान की इच्छा जम था उद्यम आज भाई की स्वीकृति थी महाराज जी ने पूर्ण करी रामधन बोलते बोलते सीताराम गाते गाते जीवन बिताया मोहिया गांव में मेरे 25 वर्ष था आवे से अब आगे भगवान की इच्छा बोल राम नाम महाराज की।